हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। यह सौरभ टॉक चैनल, आपका अपना चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ वर्मा, यूपी वाराणसी से। सो अगेन वी हैव वेरी क्यूट, वेरी स्वीट एंड आई मस्ट से वेरी ब्यूटीफुल शिज़ू पपी। हर नेम इज एंजल। सो एंजल वाराणसी शहर की ही है एंड फर्स्ट टाइम मैं मिल रहा हूँ एंजल से। और यहाँ पे आज इनका वॉट कैन आई से काउंसलिंग प्रोग्राम एक स्टार्ट किया है। सो शिज़ू इज़ अ टॉय ब्रीड। बेसिकली शिज़ू आपको 6-7 कलर्स में मिल जाते हैं, लाइक वाइट, ब्राउन और ब्लैक एंड वाइट, फुल वाइट, गोल्डन कलर, सेबल कलर, समटाइम्स इन ग्रे, समटाइम्स इन ऑफ वाइट एंड क्रीम कलर्स ऑल्सो। सो अलग अलग कलर्स में आपको ये मिलते हैं। ये फीमेल है। क्वालिटी वाइज शिज़ू की जो पहचान है, बेसिकली लास्ट एपिसोड शिज़ू में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो लेट मी क्लियर वन थिंग कि हाउ विल यू नो कि हाँ ये लास्ट एपिसोड है एंड ये शिज़ू है। सो लास्ट एपिसोड के बहुत ज़्यादा आगे की ओर बाल होते हैं, इट्स लाइक आँखें पूरी ढक जाती हैं। शिज़ू के उनसे थोड़े से छोटे होते हैं। लास्ट एपिसोड का जो फेस है नीचे से डॉल शेप होता है। शिज़ू का जो फेस होता है इट्स लाइक राउंड ऑरेंज फेस होता है, ऑरेंज शेप। और लासा एप्सो का फेस अधिकतर एप्पल शेप भी आप देखोगे, शिज़ू का फेस हमेशा आपको राउंड शेप में ही मिलेगा। और सबसे बड़ी पहचान इनकी, इनके हाथों पे भी बाल होते हैं, बालों पे भी बाल होते हैं। मीन्स इफ यू कैन सी, पैर के पंजों के उंगलियों के अंदर से भी बाल निकले, इतने बाल होते हैं। बहुत डेलिकेट ब्रीड होते हैं, बड़े पजेसिव होते हैं, बहुत शाई भी होते हैं एंड बड़े होने पे ये बहुत अच्छे अलार्म बेल बन जाते हैं। काटते नहीं हैं, बट अगर कोई आ गया, अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर हैं जिनको ये नहीं जानते, सो दे विल बार्क, डेफिनेटली दे विल बार्क, सो दैट अगर आप सोए हैं घर में अकेले हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यस समवन इज आउटसाइड, बिकॉज एंजल इज बार्किंग और योर शिज़ू इज बार्किंग। सो प्राइस रेंज की बात करें तो मार्केट में क्वालिटी के अकॉर्डिंग 18,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक शिज़ू हमारे पास मिल जाते हैं और कहीं भी आपको मिल जाएंगे। और सो दिस इज़ ऑल अबाउट शिज़ू। ये टॉय ब्रीड में होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। राइट नाउ शी इज़ थ्री मंथ ओल्ड। अभी आप इसका साइज देख सकते हैं। ये ओबीडियंट है बट सुसु पॉटी के टाइम पे नहीं है। सो आंसर इज़ अभी छोटी है और क्योंकि क्वारंटाइन में आई है तो इसको बिल्कुल हैबिट नहीं है बाहर वॉक पे जाने की, तो अभी इसको बिल्कुल आदत नहीं है। तो अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही इसको खाना खिलाएं प्रॉपर, ये जब हाई एकदम डाइट दबा के खा लेती है, सो आप नोटिस करेंगे कि हमेशा विद इन 15-20-25 मिनट्स के अंदर ही ये पॉटी सुसु करेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस 20-25-30 मिनट बेडरूम में न रह के आउटसाइड रहिए ताकि बाहर ही ये पॉटी सुसु कर लें। एंड आई एम 99.99% श्योर कि विद इन 30 मिनट्स ये अपना सुसु पॉटी कम्प्लीट कर लेगी। धीरे धीरे 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक आप प्रैक्टिस कराइए। इट विल टेक टाइम, मे बी अ मंथ, विद इन अ मंथ डेफिनेटली ये सीख जाएगी, सारी चीज़ें सीख जाएगी और जैसे जैसे बड़ी होगी उसको पता चलेगा। और जब जब ये घर में सुसु पॉटी करे आप इसको डांट सकते हो, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, कि एंजल ये क्या कर दिया, यहाँ नहीं करना था, वहाँ करना था। कहते हैं बार बार पत्थर पे रस्सी घिसने से कुएं का पत्थर भी कट जाता है, तो बार 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 जब आप इसको समझाते हो, बार बार आप इसको बोलोगे, तो अभी 2 महीने में तो ये अपना नाम भी जान गई है, तो 1 महीने में ये वो चीज़ समझ जाएगी कि अभी मुझे यहाँ नहीं करना था। कोई भी एक हैबिट बनाइए, जब ये करें आप ज़ोर से पैर पटकिए, एंजल ये कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा बाइट करती है। हाँ, तो कोई भी पपी हो, चाहे रॉटवाइलर, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, पोमेरियन, 1 महीने की एज से लेके 3 and I can say 4 month तक उनके दांतों में खुजली होती है। इट्स लाइक दांत हमेशा बढ़ते हैं। आपने अगर पढ़ा हो, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, तो चूहे अगर कुतरना बंद कर देंगे तो वो मर जाएंगे, बिकॉज चूहों का जो दांत बना होता है कुतरने के लिए बना होता है, तो उनको पूरी ज़िंदगी कुतरना चाहिए। आप किसी चूहे को शीशे के जार में रखिए और उसको अच्छे से अच्छा खाना दीजिए, वो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा, क्योंकि उसको कुतरने को कुछ नहीं मिलेगा।
बट जब वो आज़ाद रहेगा, कुतरता रहेगा, तो 7 साल 8 साल 10 साल अपनी ज़िंदगी जीता है। कम टू द पॉइंट, एंजल की अगर बात करें, एंजल इसलिए भी काटती है क्योंकि अभी इसके पूरे दांत साए नहीं हैं, पूरे बाइट्स अभी इसके बने नहीं हैं, और शी डोंट नो हाउ टू यूज़ हर हैंड। उसको अपने हाथों को यूज़ करना नहीं आता, वो आपको मुंह से पकड़ के उठाती है, बट छोटी है तो अपनी शक्ति का अंदाज़ा नहीं लग पाता, तो तेज़ पकड़ लेती है, तो आपको लगता है ये काटती नहीं है, वो आपको उठाती है, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ चलो, मुझे प्यार करो, है ना। अब ये रिलैक्स हो गई प्रॉपर, उसको अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत, ज़्यादा बिल्कुल दोस्ती कर लेना चाहिए यार, थोड़ा बहुत, थोड़ा अब थोड़ा मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जब पॉटी आती है तो ये बहुत तेज भागती है, इस रूम से उस रूम, उस रूम से इस रूम, तो यही तो इंडिकेशन है, वो आपको बता तो देती है, तो सारे रूम बंद कीजिए, एक जगह छोड़ दीजिए, कर लेना है, इट्स वेरी सिंपल। ना इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तेज से फाट आता होगा इसको, या इसको तुरंत करने का मन करता होगा, तो वो ढूंढती है जगह मैं कहाँ कोने में करूँ, बट रोक नहीं पाती तो कहीं भी कर देती है। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है एंजल की, जो अभी मुझे आपके ही से पता चला। जब ये भागने लग जाए पार्टी तेरे दो, तो सारे रूम क्लोज कीजिए, जहाँ आपको पॉटी कराना है वो एरिया ओपन छोड़ दीजिए, इधर वॉशरूम, इधर बैल्कनी और आउटसाइड जो भी आपका एरिया है। तो एंजल तो स्मार्ट है, पॉटी सुसु का ट्रेनिंग का आपका सिस्टम क्लियर हो गया, वेरी मच स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसको कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे समझ में आएगा, मतलब कैसे मतलब ये बहुत कान से चलाते रहते हैं, समझ नहीं पाते कान के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है। कान के अंदर इसका कान बिल्कुल साफ है, आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा है। कभी कभी गर्मी के दिनों में ईचिंग होने लगती है डॉग्स को, बिकॉज ये बहुत फरी है, ठीक है, तो एक दो बार चार बार अगर दिन में करती है, 10 बार भी करती है, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। हमें आपको भी खुजली होती है, बट हम और आप एक दूसरे को या आपस में इतना नोटिस नहीं करते अनटिल एंड अनलेस वो लीज लाइस ना पड़ गई हो, जुए ना पड़ गए हो। और बेसिक प्रॉब्लम इट्स लाइक फीवर कैसे चेक करते हैं, तो जब ये बिल्कुल खाना ना खाए, कोने कोने में जाके सोए, अजीब अजीब हरकत कर रहा है, बिल्कुल उदास रह रहा है, कुछ नहीं करना, नोज के आगे आपको उंगली लगाना है ऐसे, और अगर आपकी उंगली भींग जाती है, नोज वेट मिलता है, सो इट मीन्स ये फिट है, ओके है। फीवर में नोज हमेशा सूख जाते हैं, एकदम ड्राई हो जाएगा, आप छूओगे आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, तब भी आप समझ जाइए कि उसको फीवर है। और तीसरा तरीका, उल्टा हाथ अपना पेट के पास आप लगाएंगे, यूजुअली डॉग्स का पेट हमेशा गर्म होता है, बट नॉर्मल टाइम से डबल गर्म अगर मिल गया तब भी आप समझ सकते हैं कि इसको फीवर है। और जब एक्टिविटी सही है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, बस खा नहीं रहा है, इनकेस कब समटाइम्स ऐसा होता है, तो कभी कभी होता है इनके पेट में गैस हो जाता है। अब इनको इनो दे नहीं सकते, इनको दे सकते हैं डाइजी, जो गुलाबी वाली सिरप होती है हम लोगों की, 1 ml या 2 ml सुबह शाम दे दीजिए, गैस रिलीज हो जाएगी। अगर डाइजिन अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, 1 चम्मच पानी और माचिस के तीली के आगे के मसाले के बराबर हींग, 1 चम्मच पानी और हींग मिलाइए, गुनगुना कीजिए, ठंडा हो जाए, नाभि उंगली से लगा दीजिए, गैस रिलीज हो जाएगी। होम रेमेडी मेरा खोजा हुआ है, आजमा के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसको ना मतलब सर्दी जुकाम के लगा 2 महीने से एंटीबायोटिक और पैरासिटामोल को सब दे देते, पर ये बहुत ज़्यादा बिकती है, बाथरूम में जाएगी ये करीब कि उसका हमेशा रनिंग हो जाती है। अभी तो एकदम फिट है, अभी तो एकदम फिट है। अच्छा, तो बहुत ज्यादा हमारे पास जैसे आती तो लो फेस पे आ जाएगा। अच्छा नहीं तो मतलब इट्स लाइक बहुत म्यूकस टाइप का, जैसे बलगम टाइप का रहता है या फिर थूक जैसा रहता है, अच्छा वो बहुत ज्यादा, एक बार लिखना था ये तो ब्लैक के फर्स्ट टाइम था। हां फिर तो एंटीबायोटिक एलर्जिक होगी, किसी किसी चीज़ से एलर्जी होती होगी, और बार बार ये बाथरूम में अगर जाएगी, भींगेगी, उधर जाएगी धूप का गर्म लेगी, फिर इधर एसी में आ जाएगी, सो इट्स वेरी नेचुरल कि हमें और आपको भी हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए भींगे नहीं, बाथरूम में न जाए,
बार बार भींगेगी तो इसके बाल खराब हो जाएंगे, और बाल एक बार खराब हो गए तो फिर वो जैसे जटार की तरह हो जाएंगे, जैसे तांत्रिक लोगों के होते हैं, फिर आपको कट करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए ना भींगे, आप इसको वीकली या एवरी 10 days पे बात, कितने दिन पे कराते हैं? 10 days अप्रोक्स, हाँ 10 to 15 days पे आप बात दीजिए। घर में रह रही है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिनिश आपका। इसके बाल झड़ रहे हैं। इसके बाल झड़ते हैं जब से आई, तब से या फर्स्ट टाइम? अभी कुछ दिनों से, 15-20 दिनों से आई गेस। अच्छा, तो मंदिर मंदिर यहाँ दिख रहा आध्यात्मिक, तो मंदिर मंदिर यहाँ दिख रहा आध्यात्मिक है आप लोग। सो ऐसा कुछ होता है क्या, प्रसाद चढ़ाया, पेड़ा चढ़ाया, लड्डू चढ़ाया, लोग तुम भी खा लो? कोई बिस्किट? नो शुगर, नो सॉल्ट? ओके। सो मौसम या वेदर जब भी चेंज होता है सो इट्स वेरी नेचुरल। आप सबका भी हेयर फॉल बढ़ गया होगा, एम आई राइट? सो इट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा है तो एक सिरप आता है, दैट इज़ ग्लॉसी कोट, ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है उसमें, ये सेलमन ऑयल, फिश ऑयल से बना होता है। 5 ml सुबह, 5 ml शाम इसको देना है। विद इन अ वीक इसका बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो ये आपको स्टाफ आएगा तो ये आपको दे देगा। वैसे ये फिट है अभी, ठीक है, 2-4-10 इतने बाल हैं तो 15-20 गिरे तो लाजमी है। अभी ब्लैक शर्ट मैंने पहना हुआ है एंड टचवुड 2-3 बाल मेरे शर्ट पे लगे हुए हैं। अगर इसका प्रॉपर हेयर फॉल होता तो ये शर्ट पूरा बाल बाल हो चुका होता, उतने भी नहीं गिर रहे थे। आप लोग ज़्यादा कंसर्न करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन और आपका कोई क्वेश्चन? ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट शिज़ु, दिस इज़ ऑल अबाउट एंजल, और हम उम्मीद करते हैं इससे ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा लग गई है आपसे और आप वॉशरूम भी जाती हैं तो भी ये रोने लगती है, इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो इसको थोड़ा सा आपको रोने देना पड़ेगा 15। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा हाँ, इसका तो नया फ्रेंड आ गया है, इसकी नई फ्रेंड आ गई। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, आई एम वेरी टायर्ड। आज हम आए अपने छोटे से पग्गू को अपने न्यू फैमिली मेम्बर से मिलवाने, जो कि है हमारी एंजल अशिट्जू। सो आइए देखते हैं क्या रिएक्शन होता है हमारी एंजल का अपने न्यू छोटू दोस्त से मिल के। तो आइए एंजल से मिलाता हूँ आपको। सो फाइनली इतने स्टेयर्स चढ़ने के बाद, इतनी दूर से आने के बाद और मेरी बुलेट की आवाज़ सुनने के बाद, फाइनली मैं छत के पीछे हूँ। एंड नाउ हियर इज़ द बेबी। अभी थोड़ी सी गर्मी में टायर्ड है एंड शी इज़ हर फ्रेंड, दैट्स एंजल। हाई एंजल। अब नाउ हम देखेंगे कि हाउ शी विल रिएक्ट। ओके, एंजल हाँ नीचे छोड़ते हैं। सुसु कर रही है एंजल, एंजल 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 वेट वेट वेट, किसी पप्पी से मिल रही है एंजल। एंड वाला छोटू, तुम्हारा कितना छोटा सा जीव है, कितना छोटा सा जीव है। सो बहुत शाई है, थोड़ी सी डर गई है, शी इज नॉट रियली लाइक। सो शी इज शिवरिंग राइट नाउ बिकॉज पहली बार देख रही है एंड यू नो कि लेडीज के बीच में है, सो शी नीड्स पैम्परिंग एंड ऑल। तो ये है, हम आपको दिखाते हैं अभी, हम कुछ देर में ये रिलैक्स हो जाए, फीड कर ले, जब ये लोग मिल जाएंगे फिर 15-20 मिनट बाद। सो गाइज, शी इज अ क्यूट शिट्ज़ू, एज यू कैन सी टेलर आ रही है बहुत प्यार से and she is little bit excited. Hi Angel, Angel. Okay, वो शर्माती भी है, she is shy हो रही है first time उससे मिलके। Hey baby, come, come. पकड़ेगा तो। So let's try कि Angel पहले मुझसे friendship कर ले। Come. क्या हो गया? Relax. रिलैक्स बेबी। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। सीरियसली जब आप इनकी आंखों में देखते हो ना, इट्स लाइक अभी ये डर रही है और इसकी आंखें मुझसे हज़ार सवाल कर रही हैं, कौन हो तुम, मारोगे तो नहीं ना, कौन हो तुम। तीनों मम्मियाँ मेरी, एक्चुअली यहाँ तीन मम्मी हैं इनकी, तीनों मम्मी मेरी शांति से खड़ी हैं डर के आपसे। सो अब ये थोड़ा सा रिलैक्स हुई। हाय एंजल, हाय एंजल।
That's a cute thing. Angel अभी भी डर रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा. क्या हो गया बेबे, क्या हो गया, क्या आया है? देखो तो, देखो 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 देखो, पहना ही है, देखो पहना ही है, पहना ही है. छोड़, मेरा हाथ रोक रही है हाथ से अपने. और कोई प्रॉब्लम, और कोई स्पेशल बात इसकी? She is very possessive. Okay. ये जब सोती है तो इसको एक ह्यूमन टच चाहिए रहता है. कोई मेरे पे हाथ रखा रहे, हाथ रखा रहे, या जैसे हमारा ओढ़ने वाला है या कोई कपड़ा है तो ये लग के सोती है. That's a unique and cute thing about Angel. तो बहुत प्यारी है. अब इससे जुड़े और भी. She likes exploring. उसको कोई भी नई चीज, उसको डर नहीं लगता है. She is not scared. उसको अगर हम किसी चीज से डराते भी हैं, She is just not scared. वो दौड़ दौड़ के वापस भौंक के आई. ओके, तो ये एंजल हमारा बहादुर बच्चा भी है. She gets bored very soon. तुमको तरह तरह के खिलौने चाहिए. इतने खिलौने लिए तुम्हें, एक दो तीन चार खिलौने, चार पाँच इधर है. चलो कोई नहीं, तुम्हारा छोटू सा दोस्त आ गया, तुम उसके साथ खेलना. And I'm sure he will never go. और भी बात? So it's all about Angel, it's all about Shih Tzu. हमारे पास हमारे फार्म पे right now we have 13 Shih Tzus in different colors. तो right now they are just 16 days old. So bookings are open. यहाँ पे subscribe का बटन होगा guys, red color का. जी हाँ, ठीक है, यहीं पर उसको दबा दीजिए. बगल में alarm button दिख रहा होगा, ये वाला क्लिक कर दीजिए, दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन हमारे आने वाले वीडियोस के. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कर दीजिएगा. कमेंट ज़रूर कीजिएगा सो दैट हमें पता चले कि हम क्या क्या अच्छा कर रहे हैं, और अगर कुछ कमी रह जा रही है तो आप सजेस्ट ज़रूर कीजिए. और अब हम एक्टिव हो गए हैं गाइज. बाय.